दोस्तों पुदीना आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और साथ ही अगर आप उसे अपने घर में ही उगा सके इस तरह से, तो इससे अच्छा क्या बात हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर अपने घर में इसी तरह से पुदीना को उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए बगैर स्किप किए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डनर एसजी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर में ही किस तरह से ढेर सारे पुदीना बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पुदीने की कटिंग लगाने के लिए पहले आपको बाजार से इस तरह के फ्रेश पुदीना खरीद कर लेकर आना होगा, कटिंग आपको इसी से मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसको खोल लेते हैं। दोस्तों हमने इसे पूरी तरह से खोल लिया है, अब इसी में से हमको कटिंग भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, अब जब भी बाजार से पुदीना लाएंगे आप नीचे की तरफ अगर ध्यान देंगे, ये देखिए दोस्तों रूट्स कुछ कुछ का इस तरह से निकला हुआ रहता है। अगर निकला हुआ नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आप अगर नीचे से लगभग 2 से 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक आप इस तरह से कटिंग ले लेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रो कर लेगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आप कटिंग ले लेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ छोटे छोटे रूट्स अभी से ही आपको दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें से कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। दोस्तों हमने कटिंग ले लिया है, अब हमें इन कटिंग्स के नीचे से जो पत्तियां हमें दिखेगा कि इस तरह से सड़ा गला हुआ है हम उन्हें निकाल देंगे, नहीं तो ये रूट्स को बाद में डैमेज कर देगा। तो चलिए हम पहले इन सड़े गले हुए पत्तों को हटा लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें से सड़े गले हुए पत्तों को हटा दिया, अब हम इसके लिए सॉइल मिक्स रेडी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉइल मिक्स में हम क्या क्या लेंगे। तो दोस्तों इसके सॉइल मिक्स में हम लेंगे गार्डन सॉइल 50%, 30% हम लेंगे कोकोपीट और 20% लेंगे वार्मी कॉम्पोस्ट, और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा नीम खली पाउडर, लगभग एक मुट्ठी भर होगा तो इसके लिए काफ़ी होगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों हमने इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लिया है। दोस्तों पुदीने के लिए ज़रूरत होता है ऐसी मिट्टी जिसमें नमी बरकरार रहे, लेकिन हाँ पानी ये होल्ड ज़्यादा ना कर पाए, तो इसीलिए इसे इस तरह से हमने मिलाया है। तो चलिए अब हम इसका पॉट रेडी कर लेते हैं। दोस्तों पुदीने के लिए आप इस तरह के छोटे प्लास्टिक के पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे पॉट के ऊपर की तरह फैला हुआ होना चाहिए, क्योंकि पुदीने की पौधा फैलता रहता है, अगर आप इसके स्पेस ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा फैलेगा। तो चलिए हम पहले इसके ड्रेनेज होल्स को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं और उसके ऊपर से हम रेत डालकर इसके ड्रेनेज होल को एकदम वेल ड्रेन बना देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर से रेत डालकर इन्हें अच्छी तरह से कवर कर दिया है, अब इसमें हम इस सॉइल मिक्सचर को डाल देंगे। दोस्तों हमने इसका मिट्टी पूरी तरह से भर लिया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और एक बात भी बता देता हूं, आप पुदीना पत्ते को फरवरी से लेकर अप्रैल तक अच्छी तरह से उगा सकते हैं, और साथ ही बारिश में भी यानी कि बरसात की वक्त भी ये अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन ये वक्त इसके लिए सही है एकदम फरवरी से लेकर अप्रैल तक। तो दोस्तों हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसके पानी निकल जाने के बाद हम इसमें पुदीना पत्ते को लगा देंगे। तो दोस्तों पानी लगभग निकल चुका है, अब हम इसमें इन पुदीने की कटिंग्स को लगा देंगे।
इस तरह से लगभग एक से दूसरे का डिस्टेंस लगभग एक इंच का डिस्टेंस रखकर हम इस तरह से सभी कटिंग्स को लगा देंगे और इसे अब हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर इसे लगभग दिन के 2 से 3 घंटे का धूप मिले। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पुदीने के पौधे को आप तभी पानी दीजिए जब मिट्टी छूने से सूखा लगे, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों हमने अपने सभी कटिंग्स को लगा दिया है, अब हम इसे शेडेड एरिया में रखेंगे जहां पर लगभग दिन के 3 से 4 घंटे का धूप इसको मिल जाए। तो दोस्तों हम लोग लौटे हैं 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते में आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हर एक कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। ये देखिए दोस्तों हम लोग पुदीना को बाजार से लाने के बाद उसके पत्तियां ले लेते हैं और नीचे का जो ये सब टहनियां वगैरह होता है उसे हम लोग फेंक देते हैं। उसे बगैर फेंके आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं। तो उसे लगाने से आपको भी घर में इस तरह से पुदीना आप उगा सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा सच्चाई है कि हर एक कटिंग ग्रो नहीं होता है, ये हर जगह पर होता है। आप अगर कटिंग लगाएंगे या फिर किसी भी पौधे का अगर बीज भी लगाएंगे तो उसमें भी आपको ये होगा कि आप अगर देख लेंगे कि 10 बीज लगाते हैं या 10 कटिंग लगाते हैं तो उसमें 3-4 ऐसे मिस हो जाता है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर कटिंग आपका लग जाएगा और जितना कटिंग लगेगा यही बहुत होगा आपको साल भर पुदीना देने के लिए। कुछ हफ्ते बाद ये पूरा पॉट भर जाएगा इससे और पूरा साल ही इसी पौधे से मुझे पुदीना भी मिल जाएगा। और आप भी अगर इस तरह से करना चाहते हैं अपने घर में पुदीना का जो खेती, वो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा पुदीना के बारे में कि इसकी जो मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रहना चाहिए। तो इसीलिए इसकी मिट्टी ऐसी तैयार कीजिएगा जिसमें नमी ठहरा रहेगा और साथ ही इसे दिन के 1 से 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलना चाहिए। अगर दिन के शुरुआत में इसका आप धूप देना चाहते हैं, अगर आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर दिन के शुरुआत में धूप मिलता है तो 2 से 3 घंटे का धूप ही ये झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर इसमें धूप लगेगा तो इसके पत्तियाँ झुलस सकता है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में इस तरह से कोशिश कीजिए और पुदीना का मज़ा लीजिए, स्वस्थ रहिए और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में, चलता हूँ।